पेमेंट उसने दिया नहीं, उसने उसने तो माल तक उठाया नहीं उसने। काम करो, वो जो एग्रीमेंट हुआ है ना, एग्रीमेंट का तुम्हारे मालिक को बोलो, अभी मोबाइल लगाओ, बोलना इससे व्हाट्सएप भेजो हमको लाइसेंस और टेकऑन का एग्रीमेंट। हेलो बोले वाले लगाओ फोन, मोबाइल तो लगाओ, एंड्रॉइड मोबाइल है अब बताते जाओ यार, जल्दी जल्दी बता दो, इसमें कोई वो नहीं है, बार बार लिखा दिया सर। हाँ बोलते जाओ, लिखाते लिखा दिया, बोलना है। तुम भी बनाओ ना मोबाइल, तुम क्या अपन ने बयान बयान को गांड में डाले, ये ले मोबाइल बना रिकॉर्डिंग को गांड में डालेगा, ये खड़े थे बताया उसको। वो तो सब उन्होंने बोला था कि माल बेचना है, बोले हम तो सब दो सुबह 8 बजे निकल जाते थे माल बेचने के लिए। कहाँ से ले जाते हो माल यार? तुमने क्या बताया भाई, क्वालिटी वाले क्या नाम है तुम्हारा? दीपक माल। तुमने क्या बताया उसको? सर मैंने मतलब माल इन्फॉर्म कर दिया था। हाँ इन्फॉर्म कर, माल एक बार उन्होंने पहले बता दिया था कि ये माल अपना इतने तारीख को अपना एक्सपायर हो जाएगा, इसको बेच नहीं सकते। उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। मैडम का कोई नंबर नंबर मिला सर क्या? फिर सेल करने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं सर, सेल करना कलेक्टर साहब को बता रहे माता, मैंने तो मना ही कर दिया था। कलेक्टर साहब को बता रहे हैं, बताओ यार, तुम एक दूसरे पे ढोलते रहो। ये पूरा माल ही बता रहे, माल एक्सपायर है, वो कहाँ उसका लड़का है ना, इसमें कौन है सर? एक काम करें, इसमें तो अपन रोक लेते हैं, बाकी के सैंपल लेके रोक लेते हैं, और इसको ये अगर ऑनर आता है पैरी काय को काटे ताकि आदमी के शरीर में नुकसान नहीं हो। अरे अगर अपनी सब्जी सड़ जाती तो क्या अपन खाते हैं? बहुत बढ़िया खाते हो क्या भैया? बताइए कोई कंपनी में जो कुरकुरे का स्पाइडेट का मामला आया, क्या है पूरा?
एक्सपायर डेट का मामला था, हमको इतने आइडिया नहीं, क्योंकि सर मैं 3 महीने पहले ज्वाइन करा था, अपॉइंट के पोस्ट पे करा था मैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं। मैं सिर्फ 4 बार मैं माल बेचने गया तो बोरोठा में मुझे ऐसा बताया गया कि माल एक्सपायर है, तो उस दिन से सब वहाँ से मैंने माल बेचा नहीं, वापस आ गया। तो अभी क्या हुआ, कौन कौन सी किस किस जगह पे दिया आपने माल ये एक्सपायर डेट का? मक्सी रोड में दिया था। हाँ, मक्सी रोड में दिया है, और उसके बाद बोरोठा में दिया है, इधर सिपर साइड में एक जगह दिया है। तो आपको मालूम नहीं था कि एक्सपायर डेट है कि क्या है? मुझे नहीं मालूम। फिर सूचना कैसे मिली आपको? सूचना सब दुकान वाले ने हमें सब बताया कि माल आपका एक्सपायर हो गया है, तो उस वक्त हम वहाँ से निकल आए थे। अच्छा, कौन सी दुकान वाले ने सूचना करी थी? थाने के सामने है, जयसवाल पोस्ट करके। अच्छा, उसने बताया। आप क्या है ना पे? अकाउंटेंट है। क्या नाम है आपका? मनुलाल जयसवाल। भैया बताइए, जो कुरकुरे का मामला आया, एक्सपायर डेट का मामला आया, क्या है? 6-7 दिन पहले ये जो बोरा दे के गए थे, उसको खोल के तो किया, उसमें एक बच्ची ने खाया, उसको वोमिटिंग हो गई। हाँ, तो वो वहाँ से फिर पुलिस ही तो जब्त किया, तो इनको यहाँ लेके आया। आपने कहा शिकायत करी दी? शिकायत मैंने तो ये सर वहाँ से जब्त की हुई, मेरी शॉप पे से लेके गए थे वो एक बोरा जो रखा था, तो बालिका को जिसमें तो मैंने जिनसे लिया था उनके पास लेके आया कि ये नंबर है और ये फैक्ट्री है। अच्छा, जो दे गए थे एक बोरा। कौन से गाँव में आए थे? यहाँ अपने पालनगर बाईपास ढाबा, ढाबा से लिया था। ढाबा से लिया था हमने। हाँ, तो बच्ची ने उल्टी उल्टी बीमार हुई थी। हाँ, बीमार हुई। तो क्या नाम है बच्ची का? सर आईटी, एक कस्टमर था जो लेके गए थे जिसने आवेदन। अच्छा, बच्ची बीमार, उसका नाम क्या था? बच्ची का नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश। आपकी क्या दुकान है? शॉप है यहाँ पे बाईपास पे, वहाँ दे गए थे लोग, तो जो दे गए थे उनके नाम मैं जानता था, तो यहाँ लेके आया कि सर ये लोग है, जानते हो? बोले मैं पहचान लूँगा सर, ये बोरा एक देके गए और 350 रुपये में, कोई बिल नहीं दिया, कुछ भी नहीं, खोल के देखा उसको, उसके बाद जो लड़का था वो चाय बना था उसने दे दिए थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश दुबे। अभी कौन सी जगह पे खड़े हैं और क्या कार्रवाई हुई आई? ये आज हमारे औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक आवेदक ने आकर बताया कि उसकी बेटी ने कुरकुरे का पैकेट लिया था और उसके खाने का उसकी तबीयत खराब हो गई है और उल्टियाँ वगैरह उसको हो रही हैं, कुछ सही खाद्य पदार्थ नहीं है, तो उसको फिर हम पुलिस ने तत्काल चेक करवाया तो वो एक्सपायरी डेट का होना पाया गया। उसको पुलिस ने देखा, जहाँ से लिया गया था वहाँ पता किया, तो उसने बताया कि ये जो है यहाँ की औद्योगिक क्षेत्र की एक टिगलिक बर्ड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री से इसको उसने लिया है, और उसके बाद में यहाँ फूड अधिकारियों को बुलवाया गया और वहाँ मौके पर चेक किया गया, तो वहाँ पर ऐसी काफ़ी संख्या में जो है एक्सपायरी डेट के पैकेट्स होना पाया गया है, तो फूड अधिकारी उसमें चेक करके उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सर कहाँ कहाँ बेचे थे इन्होंने, किस किस जगहों के नाम बताए अभी आपको? उन्होंने अभी आसपास में बांगर, सिया और अन्य कुछ ग्राम क्षेत्र में जानकारी दी है, बाकी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, उन दुकानों पर भी यहाँ पर जाके चेक करेंगे कि वहाँ पर तो ऐसा कोई मानक या जो एक्सपायरी डेट के सामग्री को विक्रय नहीं कर रहे हैं जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर नुकसान पहुंच सके। अभी एक कोई अधिकारी भी आया ना फूड सके, क्या कहेंगे? फूड अधिकारी हैं ठाकुर साहब, वो यहाँ पर पूरा उसको चेक कर रहे हैं और कितने इनके जो एक्सपायरी पूरा सामान है या इनकी क्या क्या कमियाँ हैं उसको पूरा देख कर फिर उसमें वैसी विधानिक। सर कंपनी में कितने लोग काम करते थे, क्या है? अभी ये 5-7 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, इसमें गार्ड है, ये भी जाके गाँव में बेचने का काम किया है इसने, और इनका अकाउंटेंट है, ऐसे 4-5 लोग यहाँ पे मिले हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। सर इन पर क्या कार्रवाई होगी जो इनके जो है? अबे जो भी नियमानुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई बनती होगी, फूड विभाग के द्वारा उसको जांच करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर।